सतनाम धर्म के प्रवर्तक परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी के प्रथम पुत्र गुरु अमरदास जी व राजा गुरु बालकदास जी ने मिलकर अपने पिता गुरु घासीदास बाबा जी के कार्य को आगे बढ़ाया। गुरु अमरदास जी सतनाम रावटी में निकलते थे तो अपने धवल मणि घोड़े में सवार होकर निकलते थे। गुरु अमरदास जी के साथ उनके संत महंत और सतनाम धर्म के प्रचारक दल मंगल भजन कीर्तन 12 महीना चलता था। तिलासीपुर में गुरु अमरदास जी से मिलने और सत्संग सुनने के लिए हर जाति धर्म के लोग आते थे। कहा जाता है बचपन में गुरु अमरदास बाबा जी 12 वर्ष के लिए अज्ञातवास चले गए थे। तिलासीपुरी धाम गुरु अमरदास बाबा जी का कर्म भूमि है। गुरु अमरदास जी के सतलोकी होने के बाद बाड़ा बनिया के कब्जे में हो गया था, लेकिन बाड़ा सतनामी समाज को इतना आसानी से नहीं मिला। इसके लिए गुरु वंशज गुरु अस्करंदास जी के कुशल नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया था। बहुत से सतनामी सपूतों को जेल जाना पड़ा, तब कहीं जाकर तिलासी बाड़ा हम सतनामियों को मिला। जितने भी सतनामी सपूत जेल गए थे उन सभी का नाम लिखा हुआ है। इतिहास गवाह है, सतनामी अपने हक अधिकार स्वाभिमान के लिए अकेला ही लड़ाई लड़ा है। आंदोलन में साथ देने वाले सतनामियों को हमें याद रखना चाहिए। गुरु अस्करंदास जी को प्रणाम, जिन्होंने समाज का नेतृत्व करता रहा, हमें हक अधिकार के लिए लड़ने सिखाने का मार्गदर्शन करता रहा और साथ ही साथ संत समाज के बलिदान के साथ हमें तिलासी बाड़ा मिला है, उसका कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बाड़ा के अंदर ये सुरंग है, इसी सुरंग से गुरु अमरदास बाबा जी भंडारपुरी धाम और गिरतपुरी धाम जाते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अभी इस पर मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया है। बाड़ा को छुड़ाने के लिए 6 अप्रैल 1987 को जेल भरो आंदोलन हुआ, जिसके कारण 24 अप्रैल 1987 को गुरु अस्करंदास के साथ सतनामी समाज के 103 राज महंतों को रायपुर के जेल में बंद कर दिया गया था। जब सतनामी सपूतों को जेल में बंद कर दिया गया तो सतनामी समाज और उग्र हो गए और शासन के खिलाफ और आवाज़ बुलंद किए और बोले, हमारे गुरु और हमारे राज महंतों, हमारे संत समाज को वापस करो और हमारे तिलासी बाड़ा को भी हमें वापस करो, हमें अपने गुरु अमरदास जी का बाड़ा चाहिए। समाज ने अपना आवाज़ बुलंद किया और इस कारण शासन गुरु गोसाई अस्करंदास साहिब को और राज महंत संत महंत को ज़्यादा दिन तक जेल में बंद नहीं कर सके। गुरु गोसाई जेल में रहते ही मुख्यमंत्री मोतीलाल होरा ने यह घोषणा किया कि तिलासीपुरी धाम गुरु बाड़ा को बनिया से छुड़ाकर सतनामी समाज को सौंप देना चाहिए और इतने मेहनत के बाद, इतने आंदोलन करने के बाद तिलासीपुरी बाड़ा को सतनामी समाज को दे दिया गया और गुरु अस्करंदास साहिब के साथ समाज के 103 संत महंतों को रिहा कर दिया गया। 27 अप्रैल 1987 को तिलासीपुरी बाड़ा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया और जोड़ा जैत खाम गढ़ाया गया। ये प्रतिवर्ष 27 अप्रैल को तिलासी बाड़ा मुक्ति दिवस मनाया जाता है सतनामी समाज के द्वारा और उस दिन से लेकर आज तक बाड़ा गुरु का नेतृत्व है और समाज के लोगों का आना जाना है। एक समय में बुरसर बाड़ा जैसे तिलासीपुरी बाड़ा में भी सतनामी समाज के लोगों को अंदर आना सख्त मना था। अगर गुरु अस्करंदास जी सतलोकी नहीं हुए होते तो बुरसरा बाड़ा भी सतनामी समाज को सौंप दिया गया होता। सरा बाड़ा को भी छुड़ाने के लिए गुरु अस्करंदास साहेब ने ही शुरू किया था। सतनामी समाज को बताया कि बुरसरा बाड़ा राजा गुरु बालकदास बाबा जी का कर्म भूमि है, ये भी कब्जे में है। बुरसरा बाड़ा को छुड़ाने के लिए गुरु अस्करंदास साहेब जी ने समाज को भी एकजुट किया। तिलासीपुरी के बाद गुरु अस्करंदास साहेब ने बुरसरा बाड़ा को छुड़ाने के लिए मुहिम चलाया और कहा कि हम किसी भी हाल में बुरसरा बाड़ा को लेके रहेंगे। और गुरु अस्करंदास के सतलोक गमन के बाद उसके बीड़ा को गुरु बालदास साहेब जी उठाए हैं और सतनामी समाज और गुरु बालदास साहेब जी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं बाड़ा के लिए। सतनामी समाज के जितने भी गुरु बाड़ा हैं उसको छुड़ाने का कार्य किए हैं तो वो सिर्फ अस्करंदास गुरु जी हैं, उसके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चाहे तिलासी बाड़ा हो
चाहे बोरसरा बाड़ा हो या बिलासपुर के महंत बाड़ा हो, इसको छुड़ाने का काम सिर्फ अस्करंदाज गुरु जी हैं। अभी तिलासी बाड़ा का कोई देख रेख नहीं है, अभी बाड़ा का अस्तित्व पूरा जर्जर हो चुका है। जितने भी गुरु अमरदास जी का समय का जो जो चीज़ था, उनका घर था, उनका बाड़ा था, उसका वो सब जर्जर हो चुका है। इस तरह अगर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन सिर्फ यहाँ खाली मैदान बस दिखेगा। इसमें समाज थोड़ा ध्यान दे, तिलासीपुरी गुरु धरोहर है, इसको बचाने का काम, इनके अस्तित्व को शुरू तक अपने आगे पीढ़ी को दिखाने के लिए तिलासी बाड़ा को पहले जैसा बनाने का पूरा काम भी होना चाहिए। यह शासन से भी मांग होना चाहिए समाज का, तो ऐसे में देख रेख नहीं होगा तो ये तो सिर्फ खाली मैदान हो जाएगा। कुछ समय के बाद सब टूट के बिखर जाएगा तो मैदान हो गई।